ते इस गल दा प्रापोगंडा ते हो गया भी भाई कुर्सियां तोड़ दित्तियां, चारे पासे हाहाकार मच गई ते कुर्सियां ते टुटियां सी। आ जलंधर दे विच पूरी दी पूरी सिखां दी एक कलोनी तोड़ दित्ती सरकार ने, किसे दे कंते जू नहीं सरकी। इत्थे नहीं किसे नूं तर्क दित्ता गया भी वह घर बने बनाए के तोड़ने ने, जिहड़ा तुसीं कोई कार्ज करना कितें वक्खरा कर लिओ। ये गरीबां दे घर छड्डो जिहड़े वस रहे ने उन्हां नूं सड़कां ते लिया के सुट दित्ता, ते तर्क की दित्ता जांदा साडे वरी भी तुसीं किसे गरीब की मदद कर देंदे। हुण हुकूमत ने उत्थे बुलडोजर चाढ़ दिते, जिहड़ा बंदा कोई पुलिस वाला सी उत्थे उहदी बोली सिखां दीआं धीआं भैणां प्रति एड्डी गंदी सी जिहड़ी वीडियो दे विच आई है। हुण तुसीं दसो भी इत्थे कुर्सियां दा ते दर्द हुंदा लोकां नूं, ओह कुर्सियां दा जिहड़ियां गुरु घर दे विच पईआं गुरु दे शरीक बण के उहनां दे टुट्टण दा दर्द है। जिहड़े सिख 47 तों उजड़ के आए, 47 तों कहिड़ी गल उजड़े सी उधरों, इधर दी हुकूमत ने वादा कीता सी इधर आ जाओ तुहानूं इस खिते दे विच एक चंगा राज भाग कायम करके देवांगे, जिथे तुहाडी धार्मिक आजादी होऊ, जिथे तुहाडी आर्थिक आजादी होऊ, जिथे तुहानूं खुल होऊ जो मर्जी करन दी। ते उह 47 दे उजड़े इधर आण के वसे, अज हुकूमत ने उहनां दी खातर एक नवां उजाड़ा पा दित्ता। इह उहो ही हुकूमत है जिहड़ी हुकूमत इत्थे बइए आण के बैठे ने लुधियाणे, ऐलान करदी है 3 दिन पहलां कि जिहड़े झुग्गियां झौंपड़ियां च बइए रह रहे ने उन्हां नूं पक्के घर बना के देवांगे। इह हुकूमत ऐलान करदी है बइयां दा दरेग आ गया जिहड़े यूपी च उत्थे आण के वसे ने, जिहड़े सिख 47 च उजड़ के इधर आए ने उन्हां दे पक्के घर तोड़ के कहिंदे जिथे मर्जी जाओ। सुप्रीम कोर्ट कहिंदा इंडिया का भी जे किसी की नजायज़ रेहड़ी चुकाउणी है तुसीं, नजायज़ रेहड़ी, नजायज़ घर की गल नहीं मैं अजे करदा, जे किसी की नजायज़ लगी रेहड़ी भी चुकाउणी है पहला उस बंदे नाल यह वादा करो तो उन्हूं जगह दो जिथे उहदी नवीं रेहड़ी लगेगी, उन्हूं घर दो जिन्ना चिर उहदा कोई आर्थिक साधन नहीं हुंदा कमाई का। तो इत्थे सिखां नूं जिहड़े 70 साल तो इत्थे वस रहे ने उन्होंने 5 मिंटां च जाड़ के घरों कर दिता, बुलडोजर चलाता है। तो अजय सिख कई उठ के सवाल करते भी गुलामी कितने अजी दिखाओ, ये गुलामी नहीं। जेडे 10 साल पहला आए या 5 दिन पहला आए उन्होंने आंदियां आधार कार्ड बने, उन्होंने आण के इतने शहर की जमीन के उत्ते कुलियां बना लिया सरकारी जमीन से, और सरकारी जमीन से कुलियां बन करके सरकार ने ऐलान किया कि इन्हों कुलियां रहना औखा है जी, असं इन्हों पक्के घर बना के देंगे। और जेडे सिख उजड़ के आए सी जिन्हां उधर जमीना छड़ियां धर्म की खातर, धर्म बचाउण की खातर इधर आए, उधरों घर उजाड़ के आए, तो अज इधर भी उजड़े। जे सिख आजाद होए होंदे 47 दे विच ते तुसीं मैनूं दसो 2 वार उजड़ना पैंदा सिखां नूं, जे आजाद नहीं होए तां 2 वार उजाड़ा होया। सो आपां अपने आप नूं आजाद समझना बंद कर दईए, ये साडे नाल रोज तक्के होंदे ने। ना अज उह किसे बंदे ने बोलना है जिन्हों कुर्सियां टुटण दा दुख आया, उन्होंने जबान अज चुप है, उन्होंने नज़र नहीं आता कि कुर्सियां टुटण ते वध रौला पैना चाहिए सी, जां जिन्हां उन्हां घरां दे टुटण ते वध रौला पैना चाहिए जिन्हां च 3-3 पुश्तां रह गईआं। कानूनी तौर पर 30 साल जिहड़े उधरों उजड़ के आए आ, जे 30 साल किसी बंदे ने एक पैली वाह ली, 30 साल वह पैली उन्हूं अलॉट भी नहीं हुई, तो जे उह वाहुंदा रहा 30 साल तो कानून उहदे कोलों पैली वापस नहीं लै सकदा। इत्थे 17 सालों तो रह रहे घरां दे रातों रात वह कहिंदे भी ढा के बाहर कढ देना। सो आपां होश करिए, पछाणीए गुलामी दे निशानियां होर की हुंदियां जी। हुण गुलामी दा कोई ठप्पा तो नहीं ला देना उन्हें साडे मत्थियां ते आण के भी आह गुलाम है ते आह आजाद है। ये गुलामी की निशानी सब तो वड्डी इहो ही है कि सिखां दे घर टुट जाण, किसे दे कंध ते जू नहीं सरकदी। सिख अपनी पैसे दे कीती होई करहत, भाव गुरु दे दरबार च लगियां कुर्सियां आप तोड़ देण, ते सारा जग झंड रौला पाउंदा। ये साडी गुलामी दी इंतहा है।